नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी टेंडर कजन के बारे में। यह कहानी एक 15 साल के लड़के की है जो अपने कजन से प्यार करने लगता है। उसकी कजन उससे कुछ साल बड़ी है, इस वजह से वह उसे ज़्यादा भाव नहीं देती है और उसे इग्नोर करती है। इसके बाद वह लड़का घर की सभी औरतों के साथ इंटीमेट होने लगता है, इस वजह से उसकी कजन को काफ़ी बुरा लगने लगता है। क्या वो लड़का अपने कजन के साथ इंटीमेट हो पाएगा? तो चलिए जानते हैं मूवी के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है और जूलियन अपनी फैमिली की कहानी बताता है। वह बताता है कि अपनी कजन जूलिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन जूलिया की छोटी बहन उससे प्यार करती है। वह लोग एक होटल में रहते हैं। जूलियन की बहन क्लेयर होटल के मालिक चार्ल्स से पैसों के लिए शादी करना चाहती है और जूलिया भी चार्ल्स को ही पसंद करती है। इस वजह से वह जूलियन को इग्नोर करती है क्योंकि जूलियन को वह छोटा बच्चा समझती है। अगले सीन में हम देखते हैं जूलिया हॉर्स राइडिंग के लिए जा रही थी, तभी वह देखती है उसका नौकर उसकी नौकरानी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह जूलिया को देखकर डर जाता है और नौकरानी को वहां से जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जूलियन अपने वेकेशन से वापस आ जाता है। जूलिया की छोटी बहन उसका वेलकम करती है। छोटी बहन जूलियन को देखकर खुश होती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। वह उसे लेकर किचन में चली जाती है, लेकिन किचन का माहौल थोड़ा अजीब सा है क्योंकि उसका नौकर एंथनी का जब भी मन होता है तो वह किसी भी नौकरानी को टच करने लगता है और वह जूलियन को भी जस्टिन की ब्रेस्ट देखने को कहता है जो कि उसकी नौकरानी है। जूलियन यह देख काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वह बड़ा हो रहा था। कुछ देर बाद जूलियन जूलिया से मिलता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे इग्नोर कर देती है। जूलिया का पूरा ध्यान सिर्फ चार्ल्स में था। जूलियन जूलिया से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। जूलिया फिर से उसे इग्नोर कर देती है। फिर लंच पर जूलियन जूलिया को गिफ्ट देता है तो वो उसे थैंक्स बोलती है। जूलियन सैड हो जाता है क्योंकि गिफ्ट देखकर जूलिया कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं एंथनी नौकरानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी नौकरों का हेड वहाँ आ जाता है। उसे देख एंथनी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूलियन जूलिया से बात करने के लिए उसे साइकिलिंग पर बाहर ले आता है, लेकिन यहाँ भी जूलियन जूलियन को अवॉइड करती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई है क्योंकि साइकिलिंग के लिए तुमने ही मुझे फोर्स किया था। तभी चार्ल्स वहाँ कार लेकर आ जाता है और जूलिया उसके साथ घूमने चली जाती है। तब जूलियन अपनी छोटी बहन जून से पूछता है, मैंने जो गिफ्ट जूलिया को दिया था क्या उसने उसे देखा? नहीं, जूलिया कहती है, वह गिफ्ट स्टोर में रख दिया गया है। रात को चार्ल्स और क्ले डांस कर रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर की बेटी कहती है जूलियन से, तुम्हें जूलिया को डांस के लिए पूछना चाहिए, पर जूलिया जूलियन को मना कर देती है। पर कुछ देर बाद चार्ल्स जूलिया से डांस के लिए पूछता है तो जूलिया उसके साथ डांस करने लगती है। अगले दिन जूलियन जूलिया से बात करने सीधा बाथरूम में चला जाता है। जूलिया उससे पूछती है, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अभी करना है? जूलियन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर जूलिया जूलियन को बाथरूम से बाहर निकाल देती है। अगले दिन चार्ल्स क्ले के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और वह अपने इस प्लान में नाकाम हो जाता है और जूलिया को घुमाने का मन बनाता है। फिर उसे सुनसान जगह ले जाकर जूलिया के करीब आने की कोशिश करता है, पर जूलिया अपने करीब आने नहीं देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जूलिया के डैड भी वापस आ जाते हैं, पर ये क्या, इनका इंटरेस्ट तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में है। उसी रात एक नौकरानी जूलियन को डिनर देने उसके कमरे में जाती है। वो जूलियन से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ इस मुलायम बेड पर सो सकती हूँ? पर ये क्या, कुछ देर बाद ही वह जूलियन को सीड्यूस करने लगती है। वो दोनों अभी मूड बनाना स्टार्ट ही करते हैं कि तभी वहाँ जूलियन की मॉम आ जाती है और सारी बात उसके डैड को बता देती है। पर उसके डैड जूलियन को समझाते हैं कि अगली बार अगर तुम ऐसा कुछ करो तो कोशिश करना कि तुम पकड़े न जाओ। सुबह हम देखते हैं दूसरी नौकरानी आ चुकी है पहली वाली की जगह, जिसका नाम मर्लिन है। चार्ल्स उस नई नौकरानी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है, पर उसकी ये सारी बात फोन सुन लेती है। वो ये सब जूलियन को बताती है।
तभी जूलियन को एक आइडिया आता है और वो चार्ल्स की तरफ से जूलिया को एक लेटर लिखता है और जूलिया को भी उसी कमरे में इनवाइट करता है और खुद भी कमरे में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जूलिया वहाँ आती है और मार्लिन और चार्ल्स को इंटीमेट होता देख चार्ल्स से कहती है, तुम एक धोखेबाज हो, और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। रात को प्रोफेसर की वाइफ जूलिया को सहानुभूति देती है और कहती है, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है। सुबह पार्टी में भी जूलिया का मूड ठीक नहीं था और वह किसी से भी ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी। रात को सभी लोग जूलिया के लिए एक छोटा सा शो परफॉर्म करते हैं जिसमें जूलियन भी जूलिया के लिए परफॉर्म करता है, लेकिन उसी रात खबर आती है कि जंग छिड़ गई है और दूसरे दिन सभी मर्दों को जंग पर जाना पड़ता है, लेकिन जूलियन घर पर ही रहता है क्योंकि वह तो छोटा बच्चा है। अब जूलियन घर की सभी औरतों और नौकरानियों को काम में हाथ बताता रहता था। इसी बीच जूलियन जस्टिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी जूलिया आ जाती है और जूलियन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, लेकिन जूलियन उसे मना कर देता है। अगले सीन में जस्टिन जूलियन को सेड्यूस करती है और जूलियन के साथ इंटीमेट हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जूलिया अपनी छोटी बहन के साथ एक गेम खेल रही है और जूलियन कमरे में नौकरानी के साथ इंटीमेट हो रहा था। जूलिया को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वह ज्वेलस फील करने लगती है। फिर वह जूलियन के कमरे में जाकर जूलियस को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगले सीन में पोन भी अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन जूलियन जूलिया के पास जाता है पर जूलिया काफ़ी सैड थी। जूलियन जूलिया को कंफर्ट देने की कोशिश करता है पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो दोनों लड़ते लड़ते ज़मीन पर गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।